इलाके में एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां दो साल से बहिष्कार का जीवन यापन करने वाले संतन निर्मलकर और उसके परिवार को खबर दिखाए जाने के बाद न्याय मिला है। पूरा मामला मुंगेली जिले के साकेत चौकी अंतर्गत घटोली पारा गांव का है। यहां के निवासी संतन निर्मलकर एवं उनके परिवार को समाज के ठेकेदारों एवं गांव के दबंगों ने दो साल पूर्व न सिर्फ समाज से बल्कि गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया था। इस तुगलकी फरमान का असर गांव में इस कदर हावी था कि संतन और उसके परिवार के सदस्यों से न तो कोई बातचीत करता था और न कोई रोजी रोटी के लिए उन्हें काम देता, और न ही गांव के दुकानदारों के द्वारा उसे और उसके परिवार के सदस्यों को किराना सामग्री दिया जाता था। यही वजह है कि संतन और उसके परिवार को जरूरत के सामान व रोजी रोटी के लिए पड़ोसी गाँवों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके चलते दाने दाने को मोहताज संतन एवं उनकी परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। वहीं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। इस पूरे मामले को स्वराज एक्सप्रेस न्यूज ने हाल ही में प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद हरकत में प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों ने घटोली पारा गांव का रुख किया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम एवं पुलिस की मदद से मामले को सुलझा लिया गया है और ग्रामीणों के बीच समझाइश के बाद अब संतन निर्मलकर गांव में आम आदमी की तरह रहने लगा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने खबर दिखाए जाने के बाद लगातार ग्रामीणों की बैठक ली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब संतन निर्मलकर और उसका जो परिवार है वो आम आदमी की तरह सामान्य नागरिक की तरह पूरे समाज में जीवन यापन करेगा, जिसके बाद से अब पूरे गाँव में शांति का माहौल बना हुआ है। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप।